हम खुदामत के कलाम की तालीम के लिए थोड़ी देर के लिए खड़े होंगे जब तक खुदामत का कलाम पढ़ा ना जाए। यशायाह नबी का हवाला पढ़ा गया, उसका उसके चार और पांच आयत पढ़ेंगे। कोई भी भाई देखो, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झुकाओ जाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? पढ़े उसने छठी आयत में जो लिखा है कि क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। जुआ कहते हैं जिसे दांत जो होते हैं ना, उसको जुआ कहते हैं। ये वो वाला जुआ नहीं है जो तो आज का जो हमारा जो मौजू है, मुझे खास तौर पर रिक्वेस्ट की गई थी पास्टर साहिबान की तरफ से, पास्टर शहजाद साहब की तरफ से भी और पास्टर सीनियर पास्टर जॉन साहब की तरफ से भी, कि मैं इसी मौजू को लेके आऊं रोजे के हवाले से। तो आज का जो मेरा जो मौजू है वो ये है, क्या ये वो रोजा है, आज के मेरे मौजू का इनवान है, क्या ये वो रोजा है। तो इसी के बारे में, रोजे के बारे में हम सीखेंगे। आज का जितना भी कलाम होगा वो रोजे के बारे में हम सीखेंगे। भाई ने बहुत अच्छी बातें इधर की हैं, पुराने अहदनामे से यौम कफारा का भी भाई ने जिक्र किया है कि उसमें रोजा फर्ज किया गया था बनी इसराइल के ऊपर। तो इससे थोड़ा सा आगे भी हम बढ़ेंगे और कुछ भी सीखेंगे। ठीक हो गया जी। रोजा जो है वो एक इबादत है। आमीन। आमतौर पर तीन इबादतों का जिक्र किया जाता है। पहली इबादत जो है वो है माली इबादत। अपने माल के जरिए से इबादत में शरीक हो सकते हैं, इबादतें कर सकते हैं। दूसरा जो है वो लफ्जी इबादत है, जो कि हम खुदा की हजूरी में बैठ के करते हैं, खुदा को हाजिर और नाजिर जान कर उसकी इबादत करते हैं, उसको हम लफ्जी इबादत कहते हैं। तीसरी इबादत जो है वो है बदनी इबादत, जिसका आज हम जिक्र करेंगे। रोजा जो है वो बदनी इबादत में आता है। तो अजीजों आज हम यही सीखेंगे। इसमें हम देखेंगे हमारे मसीहियों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, रोजे कितने होने चाहिए, इनका दुरानिया क्या है, ठीक है जी, और इस तरह के बेशुमार किस्म के सवालात हैं जो कि हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में ही हल करने की कोशिश करेंगे। तो पास्टर जॉन साहब ने भी एक सवाल किया था कि जी क्या एक दिन का रोजा रख सकते हैं। तो ये सभी सवालात जो हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और पुराने अहदनामे में भी हम जाएंगे तो रोजा जो है क्या यौम कफारा में ही रखा जाता था या इसके अलावा भी रखा जाता था, ये भी हम सीखेंगे। ठीक हो गया जी। तो हम देखते हैं कि सिर्फ मसीह ही रोजा नहीं रखते, इससे पहले हमारे इससे पहले जो कौमें थी वो भी रोजा रखती थी। और वो कौन कौन सी कौमें थी? पहले यहूद, जो कि खुदा के मानने वाले लोग थे, बनी इसराइल रोजा रखा करते थे। उनके लिए ये दायमी कानून करार दिया गया था कि वो रोजा रखें, ठीक है ना। उनके लिए ये नहीं कि ये कहा गया था कि तुम लोगों ने इतने ही रोजे रखने हैं। वो हफ्ते में दो दिन भी रोजा रखते थे नियतनामे में जाते, ठीक है जी। तो हफ्ते में दो दिन का वो रोजा भी होता था और इसके अलावा जो उनके लिए दायमी कानून था वो उन्होंने रखने ही रखने थे।
योम कफारा का भी हम जिक्र करेंगे कि योम कफारा में क्या होता था और उसमें रोजा क्यों रखा जाता था। ठीक है जी, ये सारी बातें हम देखेंगे। हम जब पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो पुराने अहदनामे में हमें बेशुमार रोजों के बारे में हमें मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं कि योम कफारा कई मिसाल के तौर पर, ठीक है जी, तो सातवें महीने की दसवीं तारीख को, ऐसे ही है ना भाई, सातवें महीने की दसवीं तारीख को ये फर्ज किया गया था कि तुम्हारे लिए ये दायमी कानून होगा। और साल में एक दिन ऐसा आता था जिसको योम कफारा कहा जाता था, और उस योम कफारा के ऊपर क्या करता था कि पूरी जमात, जो बनी इसराइल की सारी जमात होती थी, सारे लोग होते थे, उनके लिए कफारा दिया जाता था। और वो कफारा कौन लेता था? जो काहने आजम होता था। काहने आजम एक बड़े को ज़बह करता था और उसका खून ले जाता था अंदर पाक तरीन मकाम में, और वहां पर जाके ये खून छिड़ता जाता था। ठीक हो गया। और इसमें रोजा कहाँ पे फर्ज हुआ था वो भी फिर बाद में जाके हम बताएंगे कि योम कफारा पे रोजा भी रखा जाता है। जब हम ज़िक्रिया की किताब पढ़ते हैं आठवां बाब और उसकी 19वीं आयत है, मैं चाहूंगा कि कोई भाई पढ़ दे ज़िक्रिया। ये मलाकी से पहले आएगा, ज़िक्रिया आठ बाब और उसकी 19वीं आयत। रफाज यूं फरमाता है कि चौथे और पांचवें और सातवें और दसवें महीने का रोजा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुरमी का दिन और शादमानी की ईद होगा, इसलिए तुम सच्चाई और सलामती को अजीज रखो। आमीन। तो क्या जी, 19वीं आयत में लिखा है कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि चौथे, ये महीनों के हैं, ठीक है जी, महीनों की जो तरतीब थी, चौथे महीने, पांचवे महीने, सातवें महीने और दसवें महीने का रोजा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुरमी का दिन और शादमानी की ईद होगा। होगा यानी कि ये आगे चलेगा। ठीक हो गया। ये उनके लिए फर्ज कर दिए गए थे रोजे। और जब हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं तो योम कफारा के दिन वो दिन आता है, इन्हीं में से वो दिन था जो कि सातवें महीने की दसवीं तारीख भी वो दिन था जिसको रोजा भी रखा जाता था और योम कफारा भी वही दिन था। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो रोजा था, जो अभी हमने आयत पढ़ी है, दसवें महीने की दसवीं तारीख, ठीक है जी, इसको भी रोजा फर्ज किया गया था। और ये रोजा क्यों फर्ज किया गया था? ये रोजा इसलिए फर्ज किया गया था, ये याद में मनाया जाता था। और किस याद में मनाया जाता था? कि यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई कर दी थी एक बादशाह ने, और वो बादशाह कौन था? नबूकदनज़र बादशाह। नबूकदनज़र बादशाह ने यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, इस याद में ये रोजा रखा जाता था, यानी उस दुख को सामने रखकर, क्योंकि उसने वहां जाकर बड़ी तबाही मचाई थी, बहुत ज्यादा लोगों को कत्ल किया था और हैकल को भी उसने मिसमार कर दिया था। तो इसलिए उस चढ़ाई की याद में ये रोजा रखा जाता था जो कि दसवें महीने की दसवीं तारीख को रखा जाता था। ठीक हो गया जी, ये उस याद में रखा जाता था। जल्दी से आगे बढ़ूंगा। चौथे महीने की नौवीं तारीख को ये भी रोजा फर्ज था बनी इसराइल के ऊपर। चौथे महीने की नौवीं तारीख को क्या हुआ था? यरूशलेम के ऊपर कब्जा हो गया था, ठीक है जी, और यरूशलेम के ऊपर जब कब्जा हो गया था तो इस याद में भी ये रोजा बनी इसराइल रखा करते थे। इसके अलावा हम देखते हैं पांचवें महीने की दसवीं तारीख। पांचवें महीने की दसवीं तारीख को अजीजों हैकल बर्बाद हैकल को तोड़ दिया गया था। उसका जितना भी पीतल, उसका जितनी भी चांदी सोना था, वो सब का सब जो नबूकदनज़र और वहाँ के जो लोग थे वो लूट के ले गए थे वहाँ पर। उसका सोना वहाँ पर छोड़ा नहीं गया, उसके इवन के वहाँ के जो बर्तन थे वो भी वो साथ अपने ले गए थे और लोगों को असीर बनाकर ले गए थे। ठीक है जी। तो वहाँ हम देखते हैं कि जब नबूकदनज़र बादशाह ने चढ़ाई की थी तो उस वक्त सदकिया बादशाह था वहां पर। तो सदकिया बादशाह के साथ, हालांकि सदकिया बादशाह जब हम तफसील से कलाम को पढ़ते हैं तो ये वो बादशाह था जिसको नबूकदनज़र बादशाह ने ही बादशाह बनाया था, ठीक है। यर्मिया नबी ने पेशन गोई की थी, और यर्मिया नबी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि यर्मिया नबी वो नबी है जिनके बारे में कहा जाता है, इसके बारे में मैं कहानी भी बच्चों के लिए बनाऊंगा, रोने वाला, ठीक है जी।
कि उसको रोने वाला नबी भी कहा जाता था, यानी कि वो खुदा के जो कलाम होता था, खुदा की बातें जो होती थी, जो उसके मुंह में खुदा ने डाली थी, वो लोगों को रो रो कर बयान करता था और लोग उसका यकीन नहीं थे करते। तो जब वो बात हो गई तो फिर जाके पता चला कि ये तो होनी थी, और बादशाह उस चीज का यकीन ही नहीं था कर रहा, और नबूकदनेस्सर बादशाह ने उसका यकीन किया था कि ये तो पेशनगोई यर्मिया ने की थी और उसको छोड़ दिया और उसको तहफ्फुज़ दिया। हालेलुया। तो ये वो रोजे थे जो कि बनी इसराइल रखा करते थे जब हम पुरानी तारीख देखते हैं। बल्कि सदकिया बादशाह के साथ इतना जुल्म हुआ कि उसके दोनों बेटों को उसकी आंखों के सामने दबा कर दिया गया था और उसकी सदकिया बादशाह की आंखें निकाल दी गई थी, इतना जुल्म हुआ था। ठीक है जी। क्यों हुआ था? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जो भी जिस तरह अभी के यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है रूस, तो रूस की अपनी कुछ मांगे हैं कि यूक्रेन हमारे लिए करे, तो इसी तरह नबूकदनेस्सर भी ये चाहता था कि सदकिया बादशाह जो है वो उसके लिए करे, उसके हक में रहे। लेकिन जो सदकिया बादशाह था वो मुनहरफ हो गया था उससे, इसलिए उसको गुस्सा आया और उसने हमला करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। हालेलुया। आगे हम बढ़ेंगे। जब हम पुराना ऐतनामा पढ़ते हैं तो इसमें और रोजों का भी बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है, सिर्फ यही रोजों का जिक्र नहीं मिलता। ठीक है जी। शख्सी रोजों का भी जिक्र मिलता है, यानी कि इंफरादी तौर पर किसी शख्स ने रखे हों। तीन बड़े अंबिया, मसीह यस्सु नए ऐतनामे में, ठीक है जी, मूसा और एलिया, ये वो अंबिया हैं जो एक पहाड़ के ऊपर भी आपस में मिलते हैं और शागिर्द नीचे होकर देखते हैं। ठीक है जी। यही वो अंबिया थे और इन अंबिया ने 40-40 दिन के रोजे रखे थे। मसीह यसु ने भी 40 दिन और 40 रात, जैसे कि भाई ने बताया कि कुछ नहीं खाया और कुछ नहीं पिया। ठीक है जी। और शैतान की आजमाइश में रखे, और कुंबरे पर भी, जैसे बच्चे ने पढ़ा था कि बाद में कि वो कुंबरे के ऊपर खड़ा कर दिया, बनेरे के ऊपर कह लें या इंग्लिश में पैरापिट वॉल कह लें। ठीक है जी। तो उसके ऊपर खड़ा करके तो वजह था कि मैं गिरा दूंगा ताकि खुदा के फिर तुम्हें वो सारा कुछ। ठीक हो गया जी। तो शख्सी तौर पर एलिया, मूसा और खुदावंद यीशु मसीह ने रोजे रखे। ठीक है। इसके अलावा भी हमें शख्सी तौर पर रोजों का जिक्र मिलता है, ये तो वो थे जो 40 दिन के रोजे थे। ठीक है जी। इसके अलावा हम देखते हैं दाऊद नबी ने भी रोजा रखा। ठीक है जी। एक हफ्ता के लिए उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। नए ऐतनामे में हम देखते हैं कि नए ऐतनामे में हन्ना ने, लूका 2:5 और उसकी 37 आयत सर, हन्ना ने भी जो था वो रोजा रखा था। कितना रोजा रखा था? दिन रात रोजों में रहती थी, दिन रात रोजों में ही रहती थी। शक्ति रोजों की बात हो रही है। पौलुस रसूल के बारे में भी हम पढ़ते हैं, कमाल 9:9 आयत में। ठीक है जी। तो पौलुस रसूल ने कैसे, पौलुस रसूल वो था जो कि पहले साऊल था और वो मसीहों को कब्जे में करता था, उनको कैदखाने में डालता था। उस वक्त वो मसीही नहीं था। ठीक है जी। जब उसने ये रोजे की हालत में को रहा, तो जब ये दमिश्क में जा रहा था दूसरे शागिर्दों को पकड़ने के लिए, दूसरे मसीहियों को जो कि उधर से भाग गए थे, दूसरे मसीही भाग गए थे, उनको पकड़ने के लिए जब वो दमिश्क में जा रहा था, तो खुदावंद यीशु मसीह का दीदार उनको होता है पौलुस को, और पौलुस आंखों से अंधा हो जाता है। ठीक है जी। जब अंधा हो जाता है तो हनन्याह के पास उनको लाया जाता है कि हनन्याह हाथ रख, इसके सर के ऊपर हाथ रखेगा तो ही इसकी आंखें जो है वो ठीक होंगी। तो उन दिनों में पौलुस रसूल ने 3 दिन और 3 रात तक कुछ नहीं खाया पिया था, वो के वो रोजे की हालत में था। उस वक्त उसने बपतिस्मा भी नहीं था लिया, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का उनको बपतिस्मा हो गया था, यानी पाक रूह का खुदावंद यीशु मसीह ने अपना शागिर्द उनको मान लिया था। ठीक है जी। तो उस वक्त उन्होंने 3 दिन और 3 रात तक कुछ ना खाया पिया, वो के वो रोजे की हालत में। ये गिनते रहिएगा 40 दिन, ठीक है, दाऊद 7 दिन और ये 3 दिन, और हन्ना दिन रात ही, जैसे कि भाई ने बताया था कि कोई म्याद नहीं रखी गई, पूरा साल ही तुझे रोजे रखो। इसी तरह जब हम देखते हैं तो कौमों के तौर पर भी कलाम में रोजों का जिक्र किया गया है। बहुत सारी कौमें, जैसे कि आस्तर मलका के दौर में, ठीक है, पूरी कौम जो थी वो एक, उनके ऊपर एक अजाब आने वाला था। तो आस्तर मलका ने मुर्तदेई को बुलाया और कहा कि जाके सभी कौम वालों को बता दो
कि वो रोजे में रहें तीन दिन और रात, और मैं भी रोजे में रहूंगी, मेरी सहेलियां भी रोजे में रहेंगी। हालांकि उसकी सहेलियां कोई इजरायली नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वो रोजे में रही, और इसके पीछे एक मकसद था। बाद में बयान करेंगे वो चीज़ें कि मकसद के भी रोजे होते हैं, ठीक है जी। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने रोजा रखा, वो बादशाह की हुजूरी में जाई, तो उसकी मनाजात पूरी हुई और पूरी कौम की नजात हो गई, और पूरी कौम में छुटकारा पूरी कौम को मिल गया। तो ये हमें देखते हैं कि एक कौम के तौर पर भी रोजों का जिक्र है बाइबल में मिलता है, पुराने अहदनामे में आज तक चार बार उसकी होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सिर्फ यहूदी लोग ही रोजा नहीं रखते, बल्कि गैर मजहब के लोग भी रोजा रखते थे। गैर मजहब के लोग, आज भी हम देखते हैं कि मुस्लिम लोग रोजा रखते हैं। इसके अलावा जो गैर मजहब हिंदू लोग हैं वो भी रोजा रखते हैं, वो अपने भगवानों के लिए रखते हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश और काली माता और जितने भी उनके 33 करोड़ भगवान हैं, सबके लिए वो रोजे रखते हैं। किसी ना किसी दिन उनका रोजा होता ही है, तो उपवास इसको बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह मुस्लिम लोग भी 30 दिन उन्होंने मुकर्रर कर लिए, ठीक है जी। इसके अलावा वो फर्जी रोजे तो रखते ही हैं, नफली रोजे भी रखते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह नैनवा के लोग जो थे वो मसीही नहीं थे या यहूदी नहीं थे, उन्होंने भी रोजा रखा था। जब यूना को वहां पर भेजा गया तो यूना कतराया था, यूना के दिल में शायद था कि वहां के लोग जो है वो बहुत जालिम है, उनको अगर तबलीग की जाएगी तो मार देंगे। जैसे कि पाकिस्तान में भी कानून है कि वहां हम अगर ऊंची आवाज में बात करें इस तरह की, तो वो हमारे ऊपर फतवा लगा देते हैं, ये कानून के तहत हमें कैद कर लिया जाता है। तो वहां भी नैनवा के अंदर भी वो लोग जो थे बहुत बहादुर लोग थे, और किसी की बात को बर्दाश्त ही नहीं थे करते। खैर, जब नैनवा के शहर में जाकर मुनादी की गई यूना नबी के उनकी वजह से, तो उन्होंने जब मनादी की कि 40 दिन के बाद क्या होगा कि नैनवा बर्बाद हो जाएगा, तो उन लोगों ने खुदा की बात को माना और रोजे में वो भी रहे। तो कौमों के तौर पर भी हमें रोजे मिलते हैं, और गैर कौम के लोग भी रोजे में रहे थे, ठीक हो गया जी। इसी तरह ईसाई कलीसिया जो थी हमारी, मसीही कलीसिया, उसमें भी रोजे रखे जाते थे, ठीक है जी। तो इस तरह की बेशुमार जो चीज़ें रोज़ों के बारे में, हम ये कहें कि रोज़े का जिक्र बाइबल में नहीं मिलता, तो रोज़े का जिक्र बाइबल में मिलता है, बेशुमार जगहों पे मिलता है, सिर्फ यौमे कफारा नहीं है, और भी बेशुमार जगहों पर मिलता है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जी रोज़ा कितना होना चाहिए। अक्सर लोग सवाल करते हैं, मुझसे भी कई लोगों ने सवाल किया, पास्टर साहब ने भी मुझसे सवाल किया था कि क्या एक दिन का रोज़ा रख सकते हैं सुबह तो लेके शाम तक। बिल्कुल रख सकते हैं जी, कलाम में मौजूद है ये बात, ठीक है, बिल्कुल रख सकते हैं। असल में जो रोजा है वो आपकी कमिटमेंट है खुदा के साथ कि आपने इस इबादत में कितनी देर ठहरना है, ये कमिटमेंट है आपकी खुदा के साथ। जैसे कि हम पिछले दिनों में देखते रहे हैं कि पास्टर जॉर्ज साहब रोजे की हालत में होते थे, हमें नहीं तो पता होता, लेकिन जब हम इधर खाना खाने के लिए बैठते थे तो फिर पता चलता था, 3 बजे तक इनकी कमिटमेंट है खुदा के साथ, इन्होंने 3 बजे पानी पीना है, तो फिर हमें पता चल जाता था कि ये रोजे की हालत में, वरना ये बताते ही नहीं थे। और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, रोजे की हालत ये नहीं, खुदा की कसम से कहा करते थे ना कि फकीहों और फरीसियों को, ये ऐसी इबादत करते हैं जो कि रियाकारी है। तो रियाकारी ऐसी इबादत होती है जो कि दिखावे की इबादत होती है, हम दिखावे के लिए लोगों के सामने तस्बीह लेके वो करते रहेंगे, तो ये रियाकारी है, ये वो इबादत नहीं है जो कि खुदा को पसंद आएगी। जैसे कि इमरान खान ने जब अभी अजबकिस्तान के वजीर को, सदर को जब रिसीव किया, तो इमरान खान के हाथ में तस्बीह थी, तो ऐसी इबादतों की जरूरत खुदा को नहीं है। खुदा जो है वो ऐसी इबादत को पसंद करता है जो दिलो जान से हो, और उसका दिल जो है वो ऐसी भी यही किया करते थे कि वो चौकों में खड़े होकर, मतलब कि ऐसी जगहों पे जहाँ पर भीड़ होती थी वहाँ पर दुआएं करना, ठीक है जी, और वहाँ पर जाके तकरीरें करना ज्यादा पसंद करते थे। तो इसलिए खुदावंद यसी जब भी उनको मुखातब करते थे तो उनको रियाकार कह के मुखातब करते थे, क्योंकि वो रियाकारी करते थे। तो इसलिए हम आगे देखते हैं कि रोजे का दौरानिया,
ठीक है जी, बात हमारी असल में हो रही थी कि रोजे का दुरानिया कितना होना चाहिए, तो बीच में ये बात तो शुरू हो गई। तो रोजे का जो दुरानिया है, जैसे कि हमने पीछे कलाम को पढ़ा है, 40 दिन का रोजा भी आप रख सकते हैं, जैसे कि मूसा एलिया और कदम यसू की वजह से वो रोजे मशहूर है। आप 40 दिन का रोजा भी रख सकते हैं दिन और रात का। दानियल नबी 21 दिन, ठीक है। हाँ, दानियल से मुझे एक बात याद आई है, हमारी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर डैनियल फास्टिंग कहा जाता है। दरअसल डैनियल की जो फास्टिंग थी वो वाली, उन्होंने वो हराम चीजें खाने से उनको मना किया था, वो असल में रोजा नहीं था उनका, ठीक है जी। तो उन्होंने उनसे कहा था कि देखो मैं ये साग पात खा के भी देखना मेरे मुंह पे ज्यादा लालियां आए रहेंगी और इनके बराबर ही मेरी सेहत रहेगी, बल्कि इनसे अच्छी होगी, ठीक है जी। उन्होंने वो हराम चीजें नहीं थी खाई। तो डैनियल फास्टिंग को जो लोग कहते हैं ना कि जी मैं ये रोजा तो रखा है तो मैं सिर्फ पानी पिया करूंगा दिल में, ठीक है। डैनियल ने भी तो वो चीजें नहीं थे खाते, वो दूसरी चीजें खाते थे। तो वो उन्होंने समझ लिया कि हम जो है डैनियल फास्टिंग भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई शर्त कलाम में नहीं है, जब भी हमने कलाम में पढ़ा है रोजा जब भी रखा गया है उसमें कुछ भी खाना पीना नहीं होता, हर चीज से बंदा रुक जाता है, खाने पीने की जो भी चीज है उससे बंदा इज्तनाब कर लेता है। लेकिन डैनियल फास्टिंग जो कि वेस्टर्न लोग जो हैं, उधर के यूरोपियन जो लोग हैं, वो डैनियल फास्टिंग कहते हैं कि हम जब भी रोजा रखेंगे डैनियल फास्टिंग करेंगे। तो हम इस चीज को नहीं मानते, ये बाइबल के मुनाफी है, बात बाइबल के मुताबिक ये चीज नहीं है। रोजे के ऊपर ही मेरा एक लेक्चर था आज से 8 साल पहले कतर में, वक्त मैं कतर में काम करता था और वहाँ पर जो चर्च था वो इतना बड़ा चर्च था कि वहाँ पर कोई 350 लोग जो थे वो उस चर्च में आ सकते थे। बहुत बड़ा साउंड सिस्टम, स्टेज बहुत अच्छा सिस्टम था और मेरा जो मौजू था वो रोजे के ऊपर ही था, ठीक है जी, मेरी प्रीचिंग थी। और एक महीना पहले वो नोटिस बोर्ड के ऊपर हर जगह पे 3-4 नोटिस बोर्ड होते थे, वहाँ पर वो लगा देते थे कि इस हफ्ते इस बंदे की प्रीचिंग है। तो जब उनको ये पता चला कि इसने प्रीचिंग में ये बयान करना है कि फास्टिंग जो होती है वो तो उसमें तो कुछ भी खाते पीते नहीं है, तो उन लोगों ने मुझे रोजे की प्रीचिंग से मना कर दिया क्योंकि आपके ख्यालात और हमारे ख्यालात मिलते नहीं। तो इसलिए डैनियल फास्टिंग का बयान करना बहुत जरूरी था कि वो लोग डैनियल फास्टिंग की तरफ ज्यादा मुतवज्जो हैं कि जी हम जब भी रोजा रखें। और उस भाई ने जिसने मुझे इनकार किया उसने ये भी बोला कि हमने रोजा रखना है मरना तो नहीं है ना, हमने रोजा रखना है मरना तो नहीं है, ये अल्फाज आज तक मुझे याद है, बहुत पहले उस आदमी ने बोले। तो मैंने कहा ठीक है, और वो आखिरी दिन था मेरा खत्म, ठीक है जी। उसके अगले दिन बाद मैं पाकिस्तान वापस आ गया। तो रोजे के दुरानिये के बारे में हम बात कर रहे हैं, दानियल ने 21 दिन के, यानी कि कहा जाता है कि दानियल ने 21 दिन का रोजा रखा, 40 दिन मूसा एलिया और गुलाम यसुम से, इसके अलावा 7 दिन का रोजा दाऊद नबी के बारे में, जब उनसे गुनाह सरसद हो गया, ठीक है, तो वो खुदावंद की हुजूरी में लेट जाते हैं, बल्कि सजदे नहीं में बल्कि मुंह के बल लेट जाते हैं और वो कि वो रोजे की हालत में फंसते हैं। 40 दिन, 21 दिन, 7 दिन दुरानिये की बात हो रही है, ठीक है। अब 3 दिन का रोजा हल्का अस्तर के दौर में रखा गया, ठीक हो गया। इसके अलावा पलूस रसूल ने भी 3 दिन और 3 रात कुछ दिन कुछ भी खाया पिया नहीं था, और यौम कफारा के दिन भी 1 दिन का रोजा रखा जाता था। सुबह से लेके शाम तक के रोजे का जिक्र भी बाइबल में मिलता है, कज़ाब की किताब में 20 बाब जब आप पढ़ेंगे ना तो वहां पर आपको मिल जाएगा 26वीं आयत में, ठीक है। ये आयत बोलना बहुत जरूरी थी क्योंकि लोग समझते हैं कि क्या हम सुबह से लेकर शाम तक रोजा नहीं रख सकते, तो बिल्कुल रख सकते हैं जी, सुबह से लेकर शाम तक रखें रोजा। तो जब हम छोटे थे तो हमें कहा जाता था कि तू चिड़ी रोजा रख, तो हम इसको चिड़ी रोजा भी कहते हैं, छोटा रोजा होता है ये, ठीक है जी, सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि आमतौर पर 8 पैर ही रखा जाता था तो ये रोजा रखा जाता था, ठीक है। बस हम सुबह से लेकर शाम तक भी रोजा रख सकते हैं। वो ये सारी बातें बयान करने के बाद हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि रोजे का जो दुरानिया है वो आपने खुदा के साथ कमिट करना है। रोजा जितनी भी देर आप रह सके, 365 दिन रहना चाहते हैं 365 दिन रहे, जैसे कि बुद्ध मत के लोग रहते हैं
365 दिन ही वो रोजे में रहते हैं, उनके लिए ये कानून है। ठीक है जी, तो जो हन्ना थी वो भी सारा साल ही रोजों में रहती थी, नए अज़नामे में हम देखते हैं। ठीक है जी, तो जो सवालात किए जाते हैं कि रोज़ा कितना होना चाहिए, इसका दुरानिया कितना है, तो बाइबल में ये सारे के सारे बयान किए गए हैं, और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आपने कमिट करना है खुदा के साथ कि इस इबादत में आपने कितना टाइम रहना। अगली बात, रोजा जब भी रखें, रोजे का कोई ना कोई मकसद होता है। ठीक है जी, आमतौर पे हम रोजा तो रखते हैं, मकासद बहुत सारे होते हैं। मिसाल के तौर पर तौबा के लिए, ठीक है जी, कोई गुनाह दर्द हो गया है, खुदा नाराज हो गया है, तो तौबा करने के लिए पूरी कलीसिया जो है वो रोजा रख सकती है। ठीक है जी, तो उसमें भी हम, ये भी एक मकसद है कि गुनाह से छुटकारा, ये मकसद है। ठीक है, इसलिए हम रोजा रखते हैं। इसके अलावा आप दुखी हैं, मातम की हालत में हैं, तो फिर भी आप खुदा के हुजूर में रोजा रखते हैं। इसके अलावा किसी बड़े काम की तैयारी के लिए जब आपने जाना है, तैयार होना है, वो करना है, तो उससे पहले आप रोजे में ठहरेंगे या पूरी कलीसिया रोजे में ठहरेगी। आमतौर पे हम देखते हैं कि जब किसी पास्टर को मखसूस किया जाता है, तो पास्टर को मखसूस करने से पहले एक दिन पहले पूरी जो कलीसिया होती है सब में ये ऐलान किया जाता है कि पास्टर साहब के लिए रोजे में ठहरो। ये एक मकसद है, क्योंकि पास्टर साहब को उस ऑफिस में बैठाना है, वो ऑफिस पास्टर साहब का है। ठीक है जी, और उनको ये सीट देनी है, तो पास्टर की जो मखसूसियत होती है उससे पहले भी रोजे में ठहरा जाता है। ये एक बड़ा काम है। तो शफात के लिए, जब शफात नहीं हो रही होती, ठीक है जी, तो उस वक्त भी आप रोजे में ठहर सकते हैं। तो बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बदरुए होती हैं, वो रोज़ों के साथ और ख़ास कमाऊँ के साथ ही उन पर काबू पाया जा सकता है, तो फिर अपील की जाती है कि रोजे में ठहरा जाए और मुनाजातों को के लिए। इसके अलावा हम एक हवाला पढ़ेंगे जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी रोजे की तालीम दी है। बड़ा मशहूर हवाला है, मत्ती 6 बाब और उसकी 16 से 18, मत्ती 6 बाब उसकी 16 से 18, कोई भी भाई पढ़ सकता है उसकी आवाज। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोजा रखो तो क्या करो कि अपना मुंह उदास ना बनाओ। जैसे कि भाई ने भी इधर आके जो ऊंचा ऊंचा बोला था, उसमें ये अल्फाज ही बोले थे, असी रोजा रख के जेड़े ना असी कहने आ कि ओ पुत्र नु कहंदा है कि पुत्र जा वेख सुरई डुबा के नहीं डुबा, कहंदा अब्बा जी नहीं डुबा, कहंदा फिर मनु ला के डुबे गई। तो हमारा जो वो चीज है वो सूरज की तरफ नहीं होना चाहिए कि भाई उसके लिए नहीं, हमने जो रोजा रखना है भाई वो खुदा के साथ कमिटमेंट है, इबादत में ठहरना है। ऐसे कि रोजा भी रख लिया ड्रामे भी देख ले जैसे भाई ने बयान किया, ऐसे नहीं है। जब हम रोजे इबादत में है तो इबादत में ही रहे, दूसरे काम में ना जाए। ठीक हो गया जी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह, दिखावे का रोजा नहीं रखना। ठीक है जी। जो फकी फरीसी थे, इनके जो 5 फिरके थे, असीनी और दूसरे, इसमें नासरी भी थे। नासरी फिरका अजीजो ऐसा फिरका था जिसमें क्योंकि यीशु मसीह नासरी थे, तो कलाम में लिखा है नए अहदनामे में कि मसीह यीशु नासरी थे, इस वजह से मसीहियों को भी वो नासरी कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये जो लोग थे ये रियाकारी करते थे, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम जब रोजा रखो तो अपने मुंह को उदास ना बनाओ, ना ही दिखावे का रोजा, रियाकारी मत। वो रियाकारी क्या करते हैं, कलाम में ये लिखा हुआ है। ठीक है, वो वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा।
कि वो जब रोजा रखते थे तो अपने सर में हाक डालते थे ताकि सामने देखने वाला जो आदमी है वो उनको रोजा रखता। तो फिर तो अजीजो अजर खुदा नहीं देगा, फिर लोग ही देंगे ना, ठीक है। इसके अलावा वो अपनी पोशाक को फाड़ लेते थे, तो पोशाक को जब वो फाड़ते थे तो इसका मकसद यही था कि अगला बंदा देख के जाने कि ये रोजे में है। तो हमने जब रोजा रखना है वो रियाकारों की मानद रोजा नहीं रखना, पोशाक को नहीं फाड़ना। जुएल नबी का हवाला भाई ने मुझे भेजा था, ठीक है, जुएल 2:13 आए थे, उसमें क्या लिखा था, जैसे कि फकी फरेसी करते थे, अब उसमें लिखा है कि अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करो। तो हमको अपने ये फकी फरेसियों की तरह अपने कपड़ों को चाक नहीं करना बल्कि हमने अपने दिलों को चाक करना है ताकि इसमें जो खुदा है वो मुकम्मल तौर पर आ सके। यानी हमने अपने प्याले को खाली करना है ताकि खुदा का कलाम हमारे अंदर आ सके। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह हमें ये बताना चाहते हैं, बड़ी खूबसूरत तालीम खुदावंद यीशु मसीह के नए अहदनामे में 6:16-18 तक, कि तुम रियाकारों की तरह रोजा ना रखो बल्कि जब तुम रोजा रखो तो क्या करो कि अपने सर में ताकि लोग नहीं बल्कि खुदा को पता चले कि ये रोजे में है। हेलो भैया, तो अजीजो ये सारा जो आज का सेशन था, सेमिनार था, इसको सीखने के बाद क्या हम सोचेंगे कि क्या हम किसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें कितने रोजे रखने चाहिए, किस तरीके से रखने चाहिए। रोजों में अगर ठहरना है तो खुदावंद यीशु मसीह की बताई हुई तालीम के मुताबिक उसमें ठहरना पड़ेगा। पास्टर साहब ने कभी नहीं बताया कि मैं रोजे में हूँ, लेकिन जब वो 3 बजे पानी पीते हैं तो हम सबको पता चल जाता है। ऐसा रोजा अजीजो कि जिसका जो दिखावे का रोजा ना हो, बचपन में वो जुबान काट के जीभ काट के खा, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिखावे का रोजा नहीं होना चाहिए, ठीक है। भाई ने बहुत अच्छी बातें इधर की थी, ठीक है, ड्रामा भी ला लेते हो सारा कुछ नहीं। जब हमने रोजा एक जो कि बदनी इबादत है तो हमने इसमें इबादत में फुली जो है इसमें शरीक होना। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन।